राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। सरकार चाहे कितने भी वादे करे, लेकिन दबंगों द्वारा गरीबों को दिन प्रतिदिन सताया जाता है एवं शासन प्रशासन उन्हीं पूंजीपतियों के गुलाम बने रहते हैं, जिससे उनको न्याय नहीं मिल पाता। इसी प्रकार का एक मामला सीधी जिले के अंतर्गत मयूरा चौकी अंतर्गत गरीब महिला मीना दहिया को अत्यधिक प्रताड़ित करने का सामने आया है, जहां जबरदस्ती उनका खेत जोत लिया गया। मना करने पर महिला के गुप्त अंग को मारा गया एवं तरह तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। महिला ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन आज दिनांक तक शासन प्रशासन किसी प्रकार से महिला की मदद नहीं कर पाया, जिससे त्रस्त होकर महिला मीडिया से अपनी गुहार लगाने की बात कहती है और यह कह डाला, यदि मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं और मेरा पति भी नहीं है। दोस्तों सादर प्रणाम, मैं तेज बहादुर सिंह परिहार, राजधानी व्यू ब्यूरो चीफ। आप सबको बताना चाहते हैं, शासन द्वारा बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े महिलाओं के लिए योजनाएं चालू होती हैं, उनके लिए पता नहीं कितना पैसा वेस्ट होता है। उधर बच्चियों को, माँ बहनों को पढ़ाने के लिए, जैसे बच्ची पढ़ाओ और कई मतलब बहुत सारे वो हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, महिलाओं के लिए 1992 नंबर फ्री डायल किए जाते हैं, 100 नंबर डायल सबके लिए किए जाते हैं, पता नहीं बहुत सारे शासन द्वारा योजनाएं और बहुत सारे लोप लोप सब चालू है। लेकिन यहाँ जो बहुत पढ़े लिखे और पूंजीपति हैं, पता नहीं गरीबों को कहाँ आज दबा कर रखे हैं, चाहे समाज वर्ग किसी से भी हो। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ग का अछूता है, सभी वर्ग के महिलाओं बहनों के लिए बहुत सारा प्रताड़ित किया जाता है। इसी प्रकार के सीधी जिला मऊरा चौकी अंतर्गत बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी हमारी बहन बता रही थी कि हमको बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो आपसे मैं रू रू करा रहा हूँ, बात करा रहा हूँ कि वास्तव में आपको क्या परेशानी है, आप बताएंगी। बताइए मैडम जी, क्या आपको समस्या है? वकील हैं, बहुत पूंजी पैसा वाले बहुत दमंगाई के साथ हैं। पिता रामलाल त्रिपाठी, वो हमारा पुस्तैनी पट्टे रिकॉर्ड के जमीन है, तो सब हमारा जोध बोली नहीं सब लूट ली नहीं, सब मिल के राजेश त्रिपाठी, पिता रामलाल त्रिपाठी, वो चौराहट में वकील है मैं, और बहुत दमंगाई के साथ बहुत पूंजी पैसा वाले हम गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं आए हैं, और दमंगाई के साथ हमारा सब जमीन जो है तो सब जोत बोली ही नहीं। जब बर्जन तो का कहीं, जब बर्जन तो कुछ कहीं नहीं, जब रात के जाके डांका डार के बोली नहीं, 24 तारीख का रात के ही डांका डार के बोली, जयेश त्रिपाठी, रामलाल पिता रामलाल त्रिपाठी, और वकील है मैं, चौराहट में वकील है, वही मऊरा के ही जी जी, अब चौराहट में वकील है, अब हरामपुर में वकील है। तो बर्जन तो का कहा थे मैं, बर्जन जब तक कहीं की वह है, हम तो जान से खत्म कर दे, अगर कौन से बताते हैं अपने गाँव में ही और थाना पुलिस में रिपोर्ट करते तो हम जान से खत्म कर दे धोखा, और जब तक हम तो न मार डाल तब तक हमारे तो कल्याण नहीं आए। और ये कहते हैं कि हम अपन पूरी मिल्कियत बेच के तो और हम ले लेब जमीन चाहिए जैसा के ले ले, और तोर बच्चा जो बोली तो हम पीट के बिछा देब, यह तहसील के दुआरे पर बोली नहीं तोरे बच्चन के मुँह लाल कर देब, और हमारे आदमी जो है तो एक्सपायर हो गए, छोटे दुई नाबालिग बच्चे हैं, आज 15 साल के हमारे आदमी एक्सपायर हो गए हैं, और बहुत परेशान हमका का है, रिपोर्ट कहाँ कहाँ कहे हैं, रिपोर्ट हम करन चौकी खट्टी चौकी में करन, और रामपुर थाने में करन, एसपी के यहाँ करन, हरजन थाना में करन, कलेक्टर के यहाँ करन, अपर कलेक्टर के यहाँ रिपोर्ट करन, पूरे हर रिपोर्ट करन, हमारा पूरे हर कोई सुनवाई नहीं होता है, कहा जाने कि कैसा दे दे पेट रुपया भर भर के सब कही, और खट्टी थाने वाले ये बोलत है जब हम बताएं कि राजेश त्रिपाठी पिता रामलाल त्रिपाठी हमारे खेत पर हमारे जान से मारे का धमकी देते रहे, फड़ुआ लाई के मारे दौड़े पूरी ब्लाउज फाड़ दी और लपटा तो रहे, तो हम जाके बताएं थाने वाले से खड्डी में तो कहीं तो है ये बहुत सुंदर है तो से लपटी, कौन बहुत खूबसूरत है तो से लपटी, और हमारा कोई सुनवाई नहीं, अब हम जान का हाथ दिया था इधर की कोई सुन नहीं रहा है, हमारे छोटे दुई नाबालिग बच्चे हम हमारे बिल्कुल सहन नहीं हो कि हम जान का हाथ दिया कई लग जो हमारा शासन प्रशासन कौन नहीं सुन रहा है, अब हम बहुत परेशान हैं, महिला जो छोटे बच्चे सबको लेके जान से बिल्कुल मर जाओ, कोई सुनाइए नहीं है, शासन प्रशासन कोई सुन धान को करा नहीं रहा है, कहाँ अपने जान का हत्या कर अपने बच्चन
भोजन करना छाड़ो और हम बहुत परेशान हैं। चलिए ठीक है, जैसे आप लोग जाने अभी महिला के सुन रहे थे, जब दर्द होता है तभी आंखों से आंसू झलक आते हैं और दिल भी रोने लगता है। बताइए कितना परेशान है, असहाय है, महिला का कोई साथी नहीं है, कोई सहयोग करने वाला नहीं है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है राजधानी व्यू चैनल के माध्यम से जो जो भी देखते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग आपकी मदद करें। मैं राजधानी व्यू चैनल से तेज बहादुर सिंह परिहार, ब्यूरो चीफ सीधी। सीधी से ब्यूरो चीफ तेज बहादुर सिंह परिहार की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका, हम हैं आपकी आवाज़। राजधानी व्यू।